हाँ भाई बताएं, अब आप लोग ने क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं? हमने तो इधर का जो है ना कर लिया है, उधर भी बात कर ली है, हमें गालियां भी पड़ रही है सब कुछ, हम जो है ना हम पे वो चल रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या सोचा है? भाई बोल रहे थे कि भाई आप क्यों लोगों से मांग रहे हो पैसे, और क्यों ऐसे शादी का कर रहे हो, रहने दो जितना फुर्सत है कर दो, या कोई कहता है कि रहने दो अगर फुर्सत ही नहीं तो ना करो बाद में कर देना। तो सबसे पहली बात मेन जो है जिसका मेरे मैं जोर लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है तू मेरा प्यार है, तू मेरी बोला कि अगर तुम्हारे घर में बरकत खत्म हो रही हो, तुम्हारे घर के हालात खराब हो रहे हो, तो अपनी बहनों को जो है ना दावत पे बुला लिया करो, रिज्क वसी हो जाएगा। हाँ, और मंसूर की अम्मा आपको भी सलाम दे रही थी। बहुत शुक्रिया अम्मा जी, वालेकुम सलाम। ये जो है ना मरी नहीं लेके जाएंगे हम, मरी से और ले लेंगे, ये इधर बेच देंगे। जवेरिया हमें गालियाँ पड़वाती हो आप, जो वर्दी पहन के चलती फिरती रहती हो, कपड़े नहीं पहनती दूसरे वो फिर इसका ओ ये क्या था ये क्या था वो ये था कि इसने बोला था कि मैं डाइटिंग करूंगी, एक महीने का टाइम दो। कौन है? सलमान ने बोला था कि मैं डाइटिंग करूंगी, एक महीने के अंदर अंदर पतली होकर दिखाऊंगी। ये कहां से पतली हो यारी यारी नहीं भी निभेना तोड़ा मैं यारी आप लावा मुड़ी ते तू वफा कहनी मैं यारी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो ये दोस्तों हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट स्नेक दुआ के साथ, जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये दोस्तों शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट, आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और हर वीडियो जो भी देखा करे उसको शेयर मार दिया करे, आपका दिल से शुक्रिया। और आज का बहुत शुक्रिया आप सब ने जो भी कमेंट्स किए, जिन्होंने और जिन बहनों ने जिन माओं ने कॉलें की उनका भी दिल से शुक्रिया, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और बहुत सारी ऐसे बातें की जो मेरी हौसला अफजाई भी की, और मुझे बोला भी कि ठीक है आप अपनी जगह सही हो, और ये भी बोल रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाता है किसी की वजह से अगले बंदे को बेइज्जत करना, ये अच्छी बात नहीं। तो यही बात थी कि कोई गलत कर रहा है तो उसको करने दें, लेकिन उसका समझे कि उसकी सज़ा हमें मारते हैं, ये बस ये देख लिया करें, बाकी जो जैसा है उसके हिसाब से। बाकी मज़ीद मैंने बोला था शादी के बारे में, तो वो भी ऐसे था कि शादी तो करनी है लाजमी, और उसके लिए सब बहन भाई बोल रहे थे कि भाई आप क्यों लोगों से मांग रहे हो पैसे, और क्यों ऐसे शादी का कर रहे हो, रहने दो जितना फुर्सत है कर दो, या कोई कहता है कि रहने दो अगर फुर्सत ही नहीं तो ना करो बाद में कर देना। तो सबसे पहली बात मेन जो है जिसका मेरे मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए। रीज़न ये है कि मैं अपना घर ये वाला इसको कर रहा हूँ मैं सेल, जैसा कि आप सब पिछली वीडियो में भी देख रहे हो, इसको घर वो बेच के मैं इस शहर को छोड़ के मैं जा रहा हूँ दूर लंबे सफ़र पे। तो उधर जब चला जाऊँगा फिर ये पीछे से शादी रखेंगे, तो शादी के लिए मेरा मसला ये बनेगा कि फिर अम्मी अब्बू वो समझे कि उनके नवासे की नवासे की शादी है, पहला नवासा बड़ा नवासा उसकी शादी है, तो अम्मी अब्बू कहेंगे कि हमने जाना है। अमीना का आप लोगों को पता है वो भी नहीं रुकती खास तौर, वो कहती रहती है नंबरदार की शादी पे जाऊंगी, नंबरदार की शादी पे ऐसे, मतलब वो भी नहीं रुकेगी। ऊपर है भाई और भाभी, वो भी भाभी कहेगी मेरे बहन भाई के बेटे की शादी है तो मैंने जाना है, तो उनकी फैमिली भी जाएगी, मेरी फैमिली, फिर सलमा बोलेगी कि मेरी बहन है एक तरफ मेरा भाई है तो मैंने भी जाना है। तो इसलिए मैं सबको यहाँ से ले जाऊँ उधर, तो फिर सबको लेकर आना पड़ेगा, मेरा तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा होगा। एक मैं इधर से ये बेच के उधर जाके घर लूँगा या बनाऊँगा, तो मेरा समझे कि सब कुछ ख़त्म, पूरा सूरा हिसाब बन जाएगा कि मेरी ये घर के पैसे लग जाएंगे,
फिर भी आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त फिर मेरे पास मैं खर्चे को अफोर्ड ना कर सकूँ, ना आ सकूँ, पहले ये शादी हो जाएगी साहब, यहाँ से शादी गुजार के जो जाएंगे रिलैक्स होके, एक साल लगे, दो साल लगे, ताकि कहते हैं ना एक जगह से अगर दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो एक साल लगता है उधर सेटल होने में, सेटिंग में आने में। तो मैं उधर जाऊँगा, मुझे दो साल लगे, तीन साल लगे, एक साल लगे सेट होने में, तो फिर तब तक ये होगा कि मैं परेशानी नहीं होगी, पीछे किसी की शादी भी नहीं होगी, कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा, फिर होगा कि खुशी गमी, वो फिर इतने दूर से ये मिला, जैसे छोटा मिलाद कर लेते हैं, खैरात कर लेते हैं, एक दूसरे कॉल करके बुला लेते हैं, तो वो फिर मेरा ये भी हो जाएगा कि दूर होऊंगा तो हर किसी को पता होगा। दूसरा, कभी किसी की शादी आ जाएगी या कोई ऐसे अल्लाह ना करे, अल्लाह से तौबा है, कोई ऐसी फोतकी वगैरह भी हो जाती है, तो फिर बंदा तब आता है, वो भी एक दो बंदे आ जाया करेंगे, वो काम सेट हो जाएगा। ये वजह थी, इस रीज़न की वजह से मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं। तो अमीना सरदार मेरी इधर है, अमीना सरदार क्या इसको क्या किया है अब, ये क्या अमीना क्या हो गया, किसने क्या बोला है? अच्छा वो तो शानू के सामान उठा आई थी, उसकी बात हो रही थी, बात कर रहे थे हम, इसको तो कुछ नहीं बोला शानू की बात। और ये देखे इधर ये अंगूर वगैरह खाए जा रहे हैं, और सलाम दुआ कर लो, अच्छा खा लो। मैं आपको एक और बता दूं, आज नंबर दिया था वीडियो पे, बहुत सारी बहनें हैं, सलाम दुआ कर रही थी, सलाम दे रही थी आपको, और अम्मी आपको भी सलाम दे रही थी, अमीना को भी सलाम दे रही थी, अब्बू को भी सलाम, सबको सलाम दे रही थी, बहुत सारा प्यार, और कह रही थी कि सबको हमारी तरफ से सलाम कह देना। मैंने कहा ठीक है कह देंगे, आमीन सुम्मा आमीन, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक हैं। तो माशाल्लाह से हमारा शाम वाला व्लॉग शुरू हो चुका है, रहना हमारे साथ, जो न्यू है हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो सबका दिल से शुक्रिया जो हमें सलाम दे रही थी, हमारी सिस्टरें, बहनें, माएँ, तो सबके लिए जो है ना वालेकुम सलाम हो गया, और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से भी आप सबको सलाम हो गया। तो जी जैसे मैंने सुबह वीडियो बनाई थी ना कि आज जो है ना मैं सारे काम कंप्लीट करूंगी, मेरे साथ प्रैंक हो गया है, तो मैंने आधे कपड़े धुलाई किए, जो मतलब जो कपड़े थे पहनने वाले, वो मतलब जो दूसरी ये चादरें वगैरह थी ना, ये सब फिर मैंने दोबारा जो है ना जैसे ही मेहमान आए इधर रख दिए, फिर मैंने दोबारा रख दिया कि ये फिर दूसरे दिन देखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं मेहमान, और मैं गया था रेंट पे, अड्डे पे बैठा हुआ था, तो पीछे से अम्मी की कॉलें आ रही थी, सलमा की कॉलें आ रही थी कि कहाँ पे हो, मेहमान आ गए हैं, जल्दी आओ घर। तो बोले कि सामान भी लेते आओ, तो अबू जान कह रहे थे कि मेरे लिए अंगूर भी लेते आओ, तो मेरा यार जो है ना ये देखे अंगूर भी खा रहा है, अंगूर ले आया हूँ। और असल में मेहमान क्या, असल में मेहमान आपको बुला रहे थे कि वो आ जाए तो फिर हम टाइम से जो है ना चले जाएंगे, इसलिए मैंने बोला आप जल्दी आओ तो खाना वाना भी टाइम से बना लेंगे, क्योंकि आपको पता तो है उधर जो है ना जो माहौल बना हुआ है, जो चोरी हुई है ना उसी से वो डर गए हैं, तो वो कहते हैं हमने टाइम से फिर घर जाना है। सही हो गया, चलो मतलब के बताता चलूं कि मेरी सिस्टर आई हुई है बड़ी, और मुखलिस आया हुआ है, वो इसी शादी के सिलसिले में जैसा कि मैं कल गया था उन्होंने बातें की थी, तो मेरे ख्याल तो इसी टॉपिक पे आए हुए हैं, मज़ीद जो होगी वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आपने साथ रहना है और मेरे सरदार के लिए दुआ करनी है कि सरदार मेरा जो एक प्लेट अंगूर की खाता है वो चार प्लेटें खाने लग जाए। ऐसे सरदार ऐसे ना, आपकी फेवरेट है अंगूर, अंगूर खाने में क्या होगी, मिठड़े वो खट्टे होते हैं मिठड़े, अम्मी से पूछो, अम्मी के लिए स्पेशल 2 किलो लेके आया था, अम्मी ने 2 दिन खाए। ओ ना बेडू जेबे सावे जर छोटे बे होंदे, कल कल की दिन था आपने, वो मौसमी थी, ओ मौसमी, अच्छा मौसमी कह रहा है, ना ना नहीं आंदा मिठड़े चढ़ने जा, ओ मौसमी, अरे मेरा मिठड़ा माही मेरा मिठड़ा सोना माही खमदा मिठड़ा, ये उससे ज्यादा अच्छे हैं, ये अंगूर है। आपको एक और बात बताऊं, ये जन्नत का फल है, ये देख लो, तो माशाल्लाह अंगूर अबू के लिए ले आया हूँ, अंगूर ले आया हूँ, और मिसाला ले आया हूँ, और चिकन आलू ये चीजें ले आया हूँ, आलू भी ले आया हूँ, अम्मी ने मुझे बताया था सिर्फ चिकन लेकर, मुझे याद है मैंने कहा चिकन इतना कहाँ से पूरा, मतलब ज्यादा वो नहीं खाते,
तो साथ में आलू जो है ना रिश्तेदार का मजा करते हैं। बच्चे तो वो भी आलू बच्चे खाते हैं। आलू खाते हैं, चिकन नहीं खाते। आपको पता है हमारे बच्चे तो कोई भी नहीं चिकन खाता, तो फिर अंदर हम भी खा के थके हुए हैं। हम भी मतलब के इस हिसाब से मेहमानों को चिकन दे देंगे, आलू वगैरह शोरा हो हम खा लेंगे। चलो ठीक है, और बस कर जाइए का खादी में बंदा सुलाई मार गिंदे पिन्नी चाहिए पाई अल्लाह माफी। अम्मा देख होने ए, मेरी रंध काम देख सारा गुच्छा खा गया मेरा, मेरा हिस्सा दिया इसको और इसने सारा ये देखो खा के रख दिया। अम्मी अबू से पूछो आप, आपको सुला मारी अबू ने? हाँ सरदार से पूछो, अम्मी ने सुला मारी है सरदार? हाँ यारी यारी नहीं भी ना तोड़ा। हाँ मैं यारी आप लावा मुड़ी ते तू वफा कहनी, मैं यारी आप मतलब आपको तवज्जो भी नहीं दे रहा। अंगूर खा रहा है आज, अमीना बना हुआ है अपने मतलब के लिए लगा हुआ है। जब हाथ ना पहुंचे तो कहते हैं अंगूर कटे हैं। ये सरदार का काम देखो, वाह सरदार वाह। चलो माशाल्लाह खाओ, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे। एक की क्या दस खाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस सिर्फ दुआ का टोकरा भर के दिया करो, बाकी खाने पीने की नो टेंशन नो इशू। बस ये मुझे डर लगता है कि मेरा यार फिर गुस्सा करके अम्मी जूता उठा लेती है और यार मेरा उधर जाके दरवाजे पे खड़ा होता है कि लो जी हम नहीं रहते इधर। अब जो है ना ऐसे खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अल्लाह का नाम मन बस चकर। मैं बेटी को दे रही हूँ यार, क्या हो गया है? नहीं आखिर बात बिया खादी पिए। हाँ तो खा लूंगी तो जवेरिया। आपकी मम्मा वैसे तो कहती है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ये कैसी डाइटिंग है कि जो चीज आती है खाए जा रही है खाए जा रही है। नहीं, खा लूंगी तो क्या हो जाएगा यार खाने। हाँ यार मुझे याद आया, हाँ। अम्मी कहाँ है? अम्मी आप उस वक्त साथ थी, आपको पता होगा। याद करो, याद करो वो दिन जो हमने गुजारे थे एक तेरे बिन। वो ये था कि इसने बोला था कि मैं डाइटिंग करूंगी एक महीने का टाइम दो। कौन है? सलमा ने बोला था कि मैं डाइटिंग करूंगी एक महीने के अंदर अंदर पतली होकर दिखाऊंगी। ये कहां से पतली हुई है इससे तो पूछो, एक महीने से ऊपर गुजर चुका है। एक महीना वो फिर जुर्माना भी बोला था कि इसने मुझे बोला था मैं प्लाट लूंगी, और मैंने क्या बोला था जुर्माना? आपने भी प्लाट कर बोला। हाँ फिर लेके दो आप चुप करके। नहीं जब मुझे लगा ना, जब हालात देखे मुझे लगा ये जो है ना ये प्लाट तो लेके नहीं देगा, और मैं खाम खा ऐसे मेहनत करती रहूँ, इसलिए मैंने कोई मतलब अपने ऊपर कोई ऐसा किया भी नहीं था ना ही। लो जी वे अब आ गई वही मिसाल, अम्मी अभी जो मिसाल दे रही थी ये वही मिसाल हो गई, हाथ पहुँचते नहीं अंगूर खट्टे। नहीं मोटी हूँ मैंने कभी बोला आपको? मेरा पेट नजर आ रहा है। अच्छा मैं नहीं दिखा सकता, बात सुनो ये पेट को आपको जो है ना कपड़ा उतार के नहीं दिखा रहे। अच्छा मेरी सुनो, मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं एक तो मोटो मोटो मेरी हाय नहीं मेरी मोटो मोटो, ये तो मैं तो प्यार से बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, है। बाकी आपको ये तो नहीं कहा कि हाँ मोटी हो गई हो ये हो गया वो हो गया, मैंने सिर्फ ये बात की थी तो आपने कहा मैं डाइटिंग करके दिखाऊंगी पतली होकर दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं वही पूछ रहा था, इसमें कोई और कोई झगड़े वाली बात नहीं। मैं हो जाऊंगी बस आप एक महीना बस आप सब्र करें, कुछ मेहनत करने की वर्जिश करने की वॉक करने की इन सब चीजों की एहतियात करने की खाना पीना छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस एक महीना जब तक इधर हैं तो बस ये है ऐसे, अगर आपको थोड़ा लगती हूँ मैं। लेकिन उस वैसे तो सब देखते हैं कहते हैं सही है ना, खुद ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो सही हो जैसे सही इंसान होता है। अच्छा। तो जब उधर जाएंगे ना तो उधर देखना मैं खुद ब खुद पतली हो जाऊंगी। वो ऐसे होगा क्या पहाड़ों के ऊपर? हाँ वो पहाड़ जो है फिर पहाड़ों पे जाएंगे ना, फिर दूसरा जो है ना ये तो छोटा सा घर है ज्यादा मतलब वाक नहीं होती हमारी। हाँ। उधर बड़ा सा घर बनाएंगे ना। हाँ। तो जितनी बड़ा घर होगा उतनी भाग दौड़ ज्यादा होगी, फिर वो खुद ब खुद वाक हो जाएगी, पतली हो जाऊंगी। अच्छा अभी मोटी नहीं हो? नहीं अभी इतना ज्यादा तो नहीं हूँ। मोटी नहीं हो इधर आओ क्या करना है इधर आओ, बात सुनो मोटी नहीं हो ना? नहीं छुड़वाओ छुड़वाओ ये क्या था? मैं नहीं डरती मैंने कहा कान कुर अब ये वैसे ही बांध था जिसमें आपने आवाज लगाई है ना? खुला नहीं है फिर? नहीं खुला, जिसमें इन्होंने आवाज लगाई ना वो तो वैसे ही कान बांध था, मेरा कोई फायदा नहीं आया इसलिए मैं डरी भी नहीं हूँ। मैं डराने वाली हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। डैन हो क्या? इंसान हो, इंसान क्यों डराते हैं भाई?
चलो ओके करो, अभी जो है ना सामान वगैरह अपना रेडी करो, बाकी जैसे आते हैं वो ऊपर चले गए हैं, वो नीचे आते हैं उनसे भी गपशप कराएंगे। चार पहिया इधर लगा दिया, ये देखे सहन में, हाँ अंदर गर्मी होती है, हाँ इधर बैठेंगे, कुछ व्यूज भी, व्यू भी आएगा अच्छा सा। हाँ तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं सामान वगैरह की कटाई वगैरह करती हूँ। हाँ तो फिर जो ना अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के चलो। नहीं, ये कोई क्या कहते हैं, दूर नहीं जा रही, किचन तक जा रही हूँ। हाँ। चलो माशाल्लाह जुलो जा रही हूँ, जिसका काम उसी को। देखो देखो अपने पुत्र दे काम जबरदस्ती आते बांझ बांझ बांझ। किचन में बोल रहा हूँ, घर से बाहर थोड़ी बोल रहा हूँ। वो देखो सार पकड़ लिया सरदार, सार क्यों पकड़ लेते हो ये बताओ मुझे। वो कहता है अभी मैं आधे आधे पता नहीं है, लगा हुआ है बोलता भी नहीं, हम इतनी हंसी मजाक कर रहे हैं। अब वो साइलेंट पे लगा हुआ है इसका। ओ ये क्या था ये क्या था, बस यही सुनने के लिए हम भी ऐसे बातें कर रहे हैं। ये अम्मा ये कैसी हंसी थी अबू की, ये हंसी थी अबू की। वाह जी वाह सरदार क्या बात है। चले जी क्लिप लंबा हो चुका है, तो जैसे मेहमान आते हैं वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे और बाकी के रूटीन भी दिखाएंगे, आप ले रहना साथ। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। चले जी मिसाले वगैरह हमारे रेडी हो रहे हैं और मेरी परी भी आ चुकी है। परी क्या हाल है, अलिशबा क्या हाल है, क्या कर रही हो, बिलोलिया खेल रही हो। अब इधर खड़ी होके दोनों सुनाओ मुझे नात, नजदीक आ जाओ, इधर आ जाओ इस जगह पे। चलो आप सुनाओ नात। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहला कलमा कौन सुनाएगा, आप सुनाओ। पहला कलमा तैयब, तैयब। आगे आगे नहीं होता। तैयब माने पाक, तैयब माने पाक। ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सुनाओ अलिशबा, आप इधर आओ, आप सुनाओ कलमा, इधर आ। चल पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। चलो जी माशाल्लाह, ये जी इन्होंने तैयारी कर ली। और हाँ, ये जवेरिया के बारे में कमेंट्स आ रहे थे, एक सिस्टर है वो बार बार कहती है कि जवेरिया को है क्या, इसको कपड़े नहीं देते कि हर वक्त वर्दी में रहती है, आज इसने चेंज किए हुए हैं। जवेरिया हमें गालियां पढ़वाती हो आप, जो वर्दी पहन के चलती फिरती रहती हो, कपड़े नहीं पहनती दूसरे। वो फिर इसको जबरदस्ती इनको बोला है नहा लो और जो है ना चेंज भी कर लो, जब अभी भी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैंने इसको जबरदस्ती बोला है कि ये जो है ना आप ऐसा ना किया करो, पहले जो वो कमेंट्स आते हैं, एक सिस्टर बार बार यही कहती है, फिर वो कमेंट्स करती है नीचे, फिर और बहनें आ जाती हैं, वो कहती हैं कि हम भी यही बार बार समझा रहे हैं लेकिन इनको समझ ही नहीं आती, मतलब वो हमसे गुस्सा हो रहे हैं लेकिन काम इसके अनोखे होते हैं। ये जो मैडम खड़ी है ये खुद ही नहीं कपड़े चेंज करती, वर्दी के अंदर बैठी रहती है, फिर वीडियो बनती है, फिर माँ बाप को गालियाँ पढ़वाती है। हाँ इधर देख जवेरिया, ये अच्छी बात है, हाँ गालियाँ पढ़वा के हमें खुश हो जाती हो। अच्छा ये करो अच्छे से इनको ना धो के, मैंने कटाई करनी है। चले जी क्या करें, बच्चे हैं जो है ना, हम सबको जो इनको बोलते रहते हैं क्या करें, कभी मार लेते हैं तो कभी थोड़ा वो समझते हैं कि ये खुद नहीं करवाते इनको। अब देखें छोटे जब बड़े हैं वो तो खुद अपनी केयर कर सकते हैं ना। उसको देखो वो जहाज बंधा है हमारा उस जहाज को देखो, अभी मैं उसको मैंने दबका दिया, मैंने कहा जाओ कपड़े वर्दी तो चेंज करो, अब वो देखो अलमारी खोल रहा है, उधर से कपड़े उठा रहा है, बंदा क्या करे क्या ना करे। चले कोई बात नहीं। और सरदार ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है। मैंने आपसे आटा मांगा था, आपने नहीं दिया था, नहीं खाया, आटा नहीं था, क्यों चावल खाए थे आपने भी। हाँ ये देखो जी, ये मेरा हमसाया है,
इसको मैंने बोला था कि आटा नहीं है, आटा तो दो दो, कहता है मैं ले आऊंगा, फिर नहीं लेके आया, झूठ बोल के भाग गया। ओके जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। मेरी कॉल आ गई थी और मैं कॉल सुनने लग गया था, तो सिस्टर और मुखलिस भाई और वो सब उधर आकर बैठ गए और मैं उनसे मिलता हूँ। और अमीना मुझे क्या कह रही थी, ये आपका सामान है, ये सामान जो है ना, ये हम ये हम ये हम ये नहीं ये मरी नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, ये जो है ना मरी नहीं लेके जाएंगे, हम मरी से और ले लेंगे, ये इधर बेच देंगे। मैंने बोला एक खुद तो फिर कहती है मारे एक अंगूर खा रही हो, कितने अंगूर हैं, एक दो त्रै चार पंजा अंगूर खा रही हो, क्या मेहंदी लेके आऊं? हाँ ले आऊंगा, ठीक हो गया, पहले ये बोरे बेचने पड़ेंगे फिर मेहंदी ले आऊंगा। हाँ ये बेच देंगे फिर मेहंदी ले आएंगे, कबाड़ वाले को नहीं देंगे ये हम एक नहीं देने। हाँ ये इस्लामाबाद बेच देंगे, हाँ उधर बेच देंगे फिर मेहंदी ले लेंगे, सही है। और इधर बच्चे देखे माशाल्लाह, यहाँ पे ये अंगूर खा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी आप अंगूर मुका जाओगी, हाँ खाओ खाओ। और वहाँ पर डोलू और जैनब बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं सरदार, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई नंबरदार, क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है भाई, खुश हो, तबीयत ठीक है, मजे लगे हुए हैं माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये तो सोचे बॉर्डर कार के आ गया जैसे इसमें बारात पे जाना हो, इंशाल्लाह बारात लेकर जानी है, ऐसे थोड़ा जाना है, अभी तो नहीं लेके जानी है मुझे। अच्छा इसी वजह से पहले से मैं कब शुरू वेरी गुड सरप्राइज आपने देना है ना, सरप्राइज ही सरप्राइज है इंशाल्लाह, नो टेंशन। और सुनाओ ठीक हो, तबीयत ठीक है, बच्चे तो माशाल्लाह वैसे सारे आ गए हैं, नहीं एक कम है, वो बड़ी बड़ी कम है, वो बीमार है, अल्लाह खैर क्या हो गया उसको, अच्छा इसलिए वो नहीं आई, नहीं आई, सही सही, चलो जी माशाल्लाह अंगूर खा लिए। वो सरदार वाला खंबा बैठो, क्या गाल है आप तो, फिर माशाल्लाह तकड़े हो गए हो, आपने खाना है तो आ जाओ, नहीं खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ो, आप लोगों के लिए ही लेके आया था, और हमने खा लिया, हाँ आप बिजी थे ना, हमने खा डाल, वो कॉल आ गई थी एक मंसूर की अम्मा, मंसूर की अम्मा आप लोगों को भी सलाम दे रही थी, वालेकुम अस्सलाम, वो बोल रही थी मुखलिस को, समीना को, नंबरदार को, असलम को, अहमद को, सबको सलाम दे देना, अम्मी को भी कहा सलाम दे देना, हाँ और मंसूर की अम्मा आपको भी सलाम दे रही थी, बहुत शुक्रिया अम्मा जी, वालेकुम सलाम, हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत सलाम और प्यार, हाँ जी ओके जी, अम्मा जी मंसूर की अम्मा आपका सलाम पहुंचा दिया है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वो कह रही थी मैंने आप लोगों की वीडियो देखी, आप वो दरिया में घूम फिर रहे थे, हाँ कश्ती वाली वीडियो देखी है, बड़ा माहौल बना हुआ था, हाँ वो कहती मुझे अच्छा लग रहा था, चारों तरफ पानी था, हाँ नहीं मैं तो बड़ी डरती हूँ, आपको डर नहीं लगा, वो एक मर्तबा डरोगी फिर दूसरी मर्तबा नहीं, उस वक्त हमने पहले देखा पानी को, एक तरफ तो कुछ भी नहीं था, सूखा था, एक तरफ थोड़ा थोड़ा सा था, फिर हमने बोला चलो बैठते हैं, आपने तो लोड़े लेने थे, हाँ चक्कर लगाना था, चक्कर लगा आए, पर मैंने इसको बोला मैं नहीं जाता, मैंने देखा वहाँ पे तो मछली भी पकड़ा, हाँ मछली भी पकड़ी थी उधर, लगाई हुई थी और फिर उधर से हमारे सामने इतनी बड़ी मछली निकाल ली उन्होंने, जाला लगा, ये लाइव लाइव हमने कवरेज की, हमने लाइव वो दिखाया कि मछली कैसे पकड़ रहे हैं, वो जाल लगा हुआ था दरिया के अंदर और उधर से मछली पकड़ ली, चले आप लोग गपशप करें, मुझे फ्रूट दो और मिसाला, नहीं नहीं खाना खाना खाए बगैर तो नहीं जाना,
ये मुझे उधर से इसने कॉल कर दी, अम्मा की कॉलें आ रही थी कि खाना लेकर आओ, खाना बनाओ। हमने जाना था अपने घर खाना बनाना था बस, फिर वो खाना मिलने के लिए आई थी। मैंने कहा भाई काफी दिन लगा के आया ना बड़ा भाई, हाँ उससे मिल लेते हैं और आपसे गपशप लगा के हम टाइम टाइम से चले जाएंगे। बस फिर वो टाइम टाइम अब खाना पक रहा है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, ये ज्यादा लेट नहीं करूंगी। हमसे पूछा था मैं, नहीं मैं क्यों पूछ रही आपसे, ये कोई पूछने की बात होती है कि मैं ऐसे जा रही हूं नहीं, छोटे बेटे को नहीं नहीं, रोज रोज मैं आ जाओ, रोज रोज आ जाओ। असल में पता है ये फरमान है, पता नहीं हजरत अली का फरमान है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ऐसे मतलब किसी का फरमान है जिन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे घर में बरकत ख़त्म हो रही हो, तुम्हारे घर के हालात ख़राब हो रहे हो, तो अपनी बहनों को जो है ना दावत पे बुला लिया करो, रिज़्क वसी हो जाएगा। तो हमें फिर मुझे फिर खुशी होती है कि मेरी बहन है घर छोटी है या बड़ी है, फिर कल छोटी आ जाएगी फिर बड़ी आ जाएगी, टेंशन ना करो, क्योंकि क्योंकि अभी आप लोग जितना खाना है खा लो, फिर हम चले जाएंगे, फिर नसीब की बात है, हम आपको छोड़ने वाला नहीं है, इधर तो एक दिन के लिए आते हैं ना, उधर महीना महीना आ जाना, उधर महीना महीना, कोई बात नहीं, रिस्क वसी हो जाएगा। हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे ना सरदार, हाँ आपका अंगूर वसी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, अंगूर वसी कर देंगे आपके। हाँ काल भी आ रही है, क्या बोल रहे थे, मिठड़िया मिठड़िया नहीं मुसम्मी, हाँ ये देखें जी अंगूर आ गए हैं, जिसने खाने हैं वो आ सकता है, अंगूर खा सकते हैं, काल आ गए हैं, बस आप रहते थे, ये आपका है आप खाओ, और फिर चलो ठीक है ओके जी। हाँ भाई बताएं अब आप लोग ने क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं, हमने तो इधर का जो है ना कर लिया है, उधर भी बात कर ली है, हमें गालियां भी पड़ रही है सब कुछ, हम जो है ना हम पे वो चल रहे हैं, अब आप लोगों ने क्या सोचा है, हमने क्या सोचा है, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, डेट का हमने आपको बता दिया था, जो कुछ करना पिछले दिनों भी आया था, वीडियो भी पड़ी हुई है, मैंने कहा था क्या किया हुआ है आपने, क्या किया आप जो पेश रास्ता है हमें बताएं, जो परेशानी है वो हमें बताएं, कोई चीज है कोई ऐसी तो हमें बताएं, कोई मसला है बताएं, कोई नहीं मसला है बताएं। हाँ मसला मसले का ये है कि हाँ मसले का ये है कि वीडियो जैसा कि वो मैंने आप लोगों के लिए भी स्पेशल बनाई थी कि अगले क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, तो वीडियो में आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं, मजीद उनको मैंने अपनी तरफ से फुल तसल्ली दी है, मैंने कहा परेशान ना हो बस हाँ करें, अल्लाह मालिक है अल्लाह पाक जरूर मदद करेगा, तो हाँ हाँ दरवाजा बंद करो, उनसे बातचीत जो है ना कर लेते हैं, क्या उन्होंने कहा तो वीडियो तो मैंने देखी थी, उसको बताया वीडियो में ऐसे ऐसा कह रही है, तो ये भी उसको बता रहे हैं कुछ चीजें समझा रहे हैं, तो बिल्कुल यही चीज है ना, मैं भी यही कहता हूँ कि बार बार हम एक ही टॉपिक पे रहेंगे ना तो बहन भाई हाँ बहन भाई वैसे भी नाराज होते हैं, मजीद वो कहेंगे कि इन्होंने फिर ड्रामा शुरू कर दिया है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो रियल है जो सच है वही हम चलाएं और जल्दी से ये काम करें, इधर से मशवरा करना था और उधर से मशवरा करना था, ये सब मतलब ओके हो गया है, अब बाकी रहेगी ये डेट फिक्स करना है, इसलिए भाई आए हैं पता करने के, बस आपने बता दिया है कि अब आप लोगों की अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारियां शुरू करो। हाँ तैयारी ओके है, हाँ आप भाई कह रहे हैं कि वो चलें, कॉल कह रहे हैं परसों कह रहे चलें, आप डेट सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपकी वीडियो में बताया है, जैसे मैंने आपकी वीडियो में बताया है ना, की टेंशन हमने खत्म कर दी है, वो आप लोग जाएंगे ना बस वो आप लोगों को मतलब जैसे बोलते हैं शर्ते, अभी हम बहन भाइयों ने पिछली हमारी जो शादियां गुजरी है ना वो देखी है, माहौल और लेना देना सब देख लिया है, सब पता है इनको, वो ही हिसाब से जो है ना हमने सब कुछ वो कर दिया, बस आप लोग जब जाएंगे ना कल जाओ परसों जाओ वो आप लोगों को डेट दे देंगे बस, और इससे आगे कोई बात नहीं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो ये डेट फिक्स कर लीजिए, बाकी का जो सिलसिला है सिस्टम है क्या करना है कितना क्या चीज़ काम करनी है क्या करनी है सारा कुछ, वो क्या रहता है सारा।
क्योंकि आप लोगों की ये ना जिम्मेदारी तो हमने उठाई है, तो उतनी ज्यादा जो चीजें आपका है हमने भी तो करनी है ना, हमने अपनी चीजें करनी है, मतलब जो हमने लेके देनी है दुल्हन के लिए दूल्हे के लिए ये सब हमने भी तो करना है। अभी हाँ मजीद फिर ये देखो कि आप दोनों घरों की भी करनी है, हमने अपने घर का भी देखना है, अपने बच्चों का भी देखना है, हमारे सर पे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो यही है कि एक वैसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ऐसा ना करो, मतलब क्यों जल्दी कर रहे हो ऐसे, मैंने वो भी बताया है कि एक मजबूरी है कि हम इधर से शिफ्ट हो रहे हैं, तो बार बार मुझसे नहीं होता कि मैं उधर जाकर फिर पूरी फैमिली को लेके आऊं। इतना हमारे खानदान में जो है ना, हमारे खानदान में 7-8-10 साल के बाद जो है ना ये पहली खुशी हो रही है, मतलब भाइयों के बाद, हमारे भाइयों की जब शादी मतलब हो गई थी 8-10 साल हो गए हैं, हमारे खानदान में ये पहली खुशी है। और अब देखें सक्की ये पूरी फैमिली चली जाएगी, इसके मामू ना हो, इसके नानी ना हो तो फिर जो है ना बच्चे वो ना हो, इसी वजह से हाँ इसी वजह से मैं कह रहा था कि जल्दी से मैं ये, जैसे वो बहन ने कहा है कि वो भी यही कह चाहती है, जिस बहन ने ये मेहनत शुरुआत की है वो भी यही कहती है कि जल्दी से आप लोग करो। हाँ इसलिए मैं भी, उसको भी यही पता चला कि आप लोग तो जा रहे हो तो फिर बाद में कौन करेगा। बस सब माशाल्लाह सही सलामत है, अल्लाह पाक आगे भी सलामत रखे। हाँ। तो इसकी जो है ना लंबरदार की खुशी जो है ना हर कोई एंजॉय कर लेगा। हाँ। हर कोई देख लेगा इसकी शादी। और बाकी जो मेन बात है मतलब ये भी है मसला, और दूसरा मसला भी आप लोग को बताया है, बिल्कुल एक निकाह में है बेचारे अलग अलग बैठे है। हाँ। ये बात भी है, यही चीजें मजीद देर नहीं कर सकते, एक साल तो गुजर चुका है, मजीद क्या 10 साल और गुजार दें तो फिर निकाह का क्या फायदा। वैसे भी ये तो आजकल के महंगाई के दौर को देखें ना, चाहे 2 साल और छोड़ दें, 3 साल और छोड़ दें, इससे भी मजीद हालात जो है ना वो मुल्क के हालात वैसे खराब हैं और इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो हम अगर देर भी करें कि हाँ जी इकट्ठी कर लें तो ये तो मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी लगा लो इतना नहीं हो सकेगा। मतलब जैसे भी शुरू करें अल्लाह का नाम, शादी वैसे भी शादियां जब करते हैं ना, चाहे अमीर लोग भी करते हैं ना, तब भी उनपे भी बड़ा जो है ना मसला होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा 2 फायदे हैं, एक फायदा कि हम खुद शादी में शरीक होंगे और शादी हो जाएगी, फिर हम इजिली सुकून से चले जाएंगे, रिलैक्स होंगे, टेंशन नहीं होगी। दूसरा ये कि जैसे वो बहन ने शुरुआत की, उसने बोला है वो हेल्प कर रही है, तो हम एक जरिया बन रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमें भी इस चीज़ का अजर देगा। हाँ ये जो है ना बहुत बड़ी नेकी। हाँ दो जोड़े को आपस में मिला रहे हैं, हमारा यही है कि हमें भी सवाब मिलेगा, उस बहन को भी, और बाकी है अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक की जात बेनियाज है। हाँ देने वाली है, हर इंसान का अपना नसीब होता है, अपना नसीब लेकर आता है और अपना नसीब खाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नसीब से ज्यादा नहीं है, नसीब से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। बाकी आप लोगों को हम ये करते रहे, ये करें तो वो करना, तो ये रह जाए तो वो करेंगे तो वो होगी। हाँ बस इंशाल्लाह आप जो है ना, वही है कि कल का दिन अगर कल हो जाता है तो ठीक, नहीं तो परसों इंशाल्लाह चलेंगे और जाकर अपना वो डेट फिक्स कर आएंगे। ठीक हो गया। हाँ तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था, मैंने कहा लगता है मेरी बहन आई है तो इसी टॉपिक पे आई होगी, उसको पता चला है ना कि ये गए हैं उधर मोहसिन वालों के घर, तो उनसे पूछने गए होंगे डेट वगैरह का, क्या पूछा क्या बोला, तो इसलिए वो पूछने आए थे कि डेट का क्या करना है। तो इंशाल्लाह कल का मेरा काम है, अगर मैं वो काम मेरा नहीं होता तो मैं कल हम चले जाएँगे डेट फिक्स करने, कल नहीं तो परसों वाला दिन इंशाल्लाह हम जाएंगे, जाके डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद शादियां शुरू हो जाएंगी। और मजीद यही है कि मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात ना आए, मतलब मैं वीडियो में बताऊं और वो चीज़ ना हो, तो आप सबके दिल में ऐसी कोई बात ना आ जाए कि यार ये भी झूठ बोल रहा है या ये कोई ड्रामा कर रहा है, इसलिए इस डर के इस खौफ की वजह से मैं कहता हूँ कि जो भी बात हो रियल में हो और जल्दी जल्दी से ये काम फाइनल हो जाए। तो बाकी आप सब ने भी दुआ करनी है कि मेरा मैं इस मकसद में कामयाब हो सकूं, और अल्लाह पाक उस बहन को भी अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह पाक उसके रिज्क में माल में बरकतें अता फरमाए जिसने ये कोशिश की है, हमारा साथ दे रही है, जो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है, उसके लिए भी सब ने दुआ करनी है। और मज़ीद जो है ना, जैसे पिछली वीडियो में भी बोला था, अल्लाह पाक ऐसे और भी बहुत सारे बहन भाई होंगे जो हसब तौफीक होंगे, तो उन्होंने भी ज़रूर इस चीज़ को गौर करना है। बाकी मिलते हैं फिर, अभी जो है ना गपशप हो रही है, और ये इधर ये बात थी जो चल रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर कर दूं। और यहाँ पे खाना वगैरह हमारा रेडी हो रहा है, मंसूर की अम्मा कहती है
मंसूर की अम्मा कहती है कि सलमा रोटियां पका रही होती है, मुझे अच्छा लगता है। ओ कॉल आ रही है, चलो जी मैं ना एक कॉल सुन लूं। ओ मेरे सोने शहजादे, मेरे सोने अमीना सरदार के बोरे, ओ बोरे अमीना की जान। ना कर वे, ये ना कर। ओ यारा वे यारा दिल लगा। चेक पाड़े थी, मेरे को स्वागत में। भैया। ओ देख होना। तू मेरा प्यार है, तू मेरी जिंदगी है। ओ मत इनको, चलो पाड़े थी। तू ही मेरी जिंदगी। बोरे को नहीं उठाते यार, हम नहीं उठाते बोरे, अमीना के नहीं उठाना। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नंबरदार ने उसको बोला है कि बोरे का, तो फिर चिड़ गई, नहीं तो मैं इसको गाना सुनाने वाला था। और यहाँ पे जो है ना, ये देखें ना, सालन तैयार हो रहा है, शक्ल तो दिखाओ सालन की, मेरे सोने तरबूज। रोटी लगवा दी है, ये देखो माशाल्लाह रोटी आ गई है लग के, और सालन बस रेडी हो रहा है। गैस गैस ने दिया धोखा, गैस चला गया तो यहाँ पर माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखें जी हमारा आलू, तो आलू चिकन पक रहा है और ये तैयार होता है। हाँ। मजीद जो है ना, तब तक आप पता क्या करो, मेरी लेख वसीहत कागज पे, चलो ना सुना दो, मुझे ये आती नहीं है, मैंने सुनी तो है, रात पूरा रास्ता यही सुनते आए हैं, तो अभी जो है ना आप नात मुझे सुना दो, नात सुनाओ, उसके बाद फिर वीडियो कैंड कर देंगे, वीडियो लेट हो जाएगी और लंबी हो रही है। अच्छा हाँ सही है। हाँ ये आ गई है, आपने सुननी है नात। हाँ इसलिए तो भाग के आई हो ना। चलो फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे। अल्लाह पाक ने चाहा ना। हाँ बहुत सारी माएँ बहने हैं जो बोलती हैं कि सलमा की जो ये नाते पढ़ती है ना, इंशाल्लाह एक दिन जरूर जाएगी मदीने। हाँ जब बुलावा आएगा तो पता ही नहीं चलेगा। चलो अभी सुनाओ, जल्दी करो, जोर से सुनाना। बुला लो फिर मदीने में मुझे ऐशा, पंजाबी सुना दो, ये इसके ऊपर वो ना आ जाए, कॉपी राइट आ जाएगा। उर्दू, हाँ पहली दफा पढ़ रही हो, उर्दू वाली नात पे अक्सर कॉपी राइट आ जाता है, पंजाबी नात जो होती है ना वो सुना। मुझे तो ये नहीं पता तो उर्दू कौन सी होती है, पंजाबी कौन सी। ये जैसे बोलता है मैनु शौक मदीने जावण दा, ये पंजाबी में होती है। अच्छा हाँ इस तरह की उर्दू, तो हम जैसे बोल रहे हैं अभी, ये उर्दू है। चलो आज भाभी साथ खड़ी है। हाँ। तो आज मैं वो सुना देती हूँ, मुश्किल आनो टाल। हाँ, चलो ये भी ये सुना दो, सही है। हाँ, मेरी फेवरेट है, सुन के ना इसके दिल को सकून आ जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। मेरा भी फेवरेट है, सुनाओ। हम्द है, हम्द। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल आनो टाल दाए अल्लाह बादशाह, मुश्किलां नू टाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नू संभाल दाए अल्लाह बादशाह, डिगियां नू संभाल दाए अल्लाह बादशाह, मुश्किलां नू टाल दाए अल्लाह बादशाह, मुश्किलां नू टाल दाए।
वो अब्बू ने भी बोला है उधर से सुभान अल्लाह। हाँ सरदार कैसे बोला? सुभान अल्लाह। ये चीज गुड हो गया, वेरी गुड। बाकी जी मुश्किलों को अल्लाह ही टालता है और किसी की जरूरत नहीं। आप के सामने ये सुना है ना कि आप टेंशन नहीं लो, अल्लाह पाक जैसा सब मालिक है ना, अल्लाह पाक हमेशा इसके आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं, लंबी हो चुकी है और अभी खाना वगैरह तो होगा, वो अगर दिखाते रहे तो लेट हो जाएगा बहुत। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।